What's up guys, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है बहुत दिनों बाद वीडियो आई है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना कि मैं फ्री फायर में कुछ ज़्यादा बिजी हो गया था। तो हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। आप मेरा घर देख सकते हो पीछे छोटा सा। और हम तो गाइस आज क्या होगा, उसमें मेन टारगेट है, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक एक्सपी फार्म, जो कि एक बिगिनर एक्सपी फार्म है, जो कि हर हमारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में शुरुआत में होना ही चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे कॉबलस्टोन चाहिए, जो कि मैंने पहले से जमा कर रखे हैं, जैसे मैं बहुत सारे स्टैक्स और कुछ 22 कॉबलस्टोन है जो आखिरी में थे। तो अभी आज हम लोग वो बनाने वाले हैं, बहुत बड़ा एक्सपी फार्म। तो आप में से कम 90% लोगों को पता होगा उस एक्सपी फार्म के बारे में। तो जिन 10% को नहीं पता वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, और जिनको पता है वो भी देख सकते हैं। अगर मैं, क्योंकि मैं इस फार्म को किसी यूट्यूब की वजह से नहीं बना रहा हूँ, मैं इस फार्म को अपने दिमाग से बना रहा हूँ, ऐसा मैंने अब तक के यूट्यूबर्स के उसमें देखा है, उस हिसाब से मैं बनाने वाला हूँ। तो मुझे नहीं पता ये फार्म मैं सही से बना पाऊँगा या फिर नहीं। तो चलिए, मेरा एक पेड़ आया था, मैंने उसको काट दिया। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं ना फार्म बनाना। तो उसका सबसे पहले मैं चाहिए थोड़ी सी चेस्ट, तो चेस्ट को हम जल्दी से यहाँ पे रख देते हैं। चेस्ट ही रखनी है ना, समझ नहीं आ रहा, चेस्ट मैं कॉबल हाँ चेस्ट रखनी है। तो हमें ना गड्ढा खोद के रखनी थी, तो मैं सोचा था कि क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे भी बना दिया है। और हम लोगों ने शुरुआत ही एक गलती कर दी है, और वो गलती और कुछ नहीं है, ये है कि हम हॉपर बनाना भूल गए हैं। तो हॉपर बनाने के लिए सबसे पहले तो थोड़े वो चाहिए, आयरन एंगर चाहिए, और मैं थोड़े स्लैब्स भी बनाता हूँ कि इनका भी उपयोग होने वाला है। तो फिर देते हैं हॉपर की रेसिपी, क्या मैं भूल चुका हूँ। तो इसके लिए हमें एक चेस्ट और आयरन गट चाहिए। तो आयरन गट तो मेरे पास थोड़े से इसमें पड़े हुए हैं, तो अभी जल्दी से आयरन गट लेते हैं और फिर अपने हॉपर बना लेते हैं। तो हॉपर बनाने के लिए हमें यही सब चाहिए होता है। तो हमें तीन हॉपर बन गए हैं, लेकिन हमें चार चाहिए। तो पहले इन तीनों को लगा कर आते हैं, फिर चौथा ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें गड्ढा करना पड़ेगा, इससे हम तीन हॉपर लगा सके। और इन तीनों हॉपर को लगाने के बाद हम लोगों को यहाँ पर कॉबलस्टोन की एक दीवार बनानी है। तो उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि हम ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, और क्योंकि हम फार्म बना रहे थे बहुत छोटी वीडियो बनने वाली होगी, मैं इसको बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। हर चीज़ में फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप फार्म बना रहे तो आप लोग बेसिकली बोर हो ही जाओगे। तो इसको हमें उससे तोड़ना पड़ेगा, वही मैं सोच क्या गलती कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और अब बिना किसी देरी अपना काम शुरू करते हैं।
मैंने स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे फार्म को आधा ज़्यादा कम्प्लीट कर दिया है। और अभी हम यहाँ पे 7-7 ब्लॉक लगाने हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन बनाने हैं 7-7 ब्लॉक की। आप लोग सोचेंगे 7 ही ब्लॉक, क्योंकि 7 ब्लॉक से पानी आगे नहीं जाता, और हमें इतनी करने की हम यहाँ पे पानी डालें तो वो सीधा हमारे वहाँ तक जाए, यहाँ पे हमारा वो गड्ढा है, और चाहे जो भी वो जॉम्बीज पानी में गिरे वो सीधा हमारे गड्ढे में गिर जाए, और हम उनको नीचे आराम से मार सकें और अपनी एसपी कलेक्ट कर सके। चलिए इसे चलते इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। We'll be right back.
अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लगभग आधा ज़्यादा इसको और ज़्यादा कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वाटर डालने हैं, तो उसके लिए मेरे पास बहुत कम वाटर पैकेट है, वो मैं नीचे से ले आया था। और मैंने कि मैं वाटर पैकेट कम है, तो इसमें बनाने वाले अनलिमिटेड वाटर सोर्स, तो ये बहुत ही आसान है। इसको अगर आप लोग बनाना है तो आप देख सकते हैं, आपको दो दो ब्लॉक का वो बनाना होता है, फिर उसमें दो वाटर पैकेट डालने होते हैं दोनों कोनों से, इसे वो अनलिमिटेड हो जाता है। और ये एक माइनक्राफ्ट का एक ग्लिच है या क्या है ये मुझे पता नहीं है, और आप लोगों को पता होता है जरूर कमेंट करके बता देना। तो इससे ना ये अनलिमिटेड हो जाता है और ये गेम का एक ग्लिच होगा। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैं दो पानी डाल रहा हूँ, जहाँ तक आ गया। आपका भी ठीक नहीं पे आना चाहिए, अगर आपका पानी इससे नीचे गिर रहा है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की और आपको सब फिर से सही करना पड़ेगा। तो अभी ऐसा कैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, वहाँ पर डाल दिया, और मेरा वाटर खत्म हो चुका है, मेरे पास चार ही बकेट थी, तो अभी मैं जाना पड़ेगा अनलिमिटेड वाटर सोर्स के पास। और कहाँ और मैं डर लग रहा है कि अगर मैं बार बार जाऊँगा तो पानी मुझे फिसला देगा, जॉम्बी फिसलने वाले हैं, और अगर मैं नीचे गिर गया तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि बहुत नीचे है, आप जान सकते हैं हमने कितना ऊपर तक बनाया है। तो अभी हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो उसके लिए मेरे पास कोई टेम्प्ररी ब्लॉक नहीं है, इसीलिए मैं अभी इसको चेस्ट से ही कवर कर देता हूँ। मतलब ये बहुत ही बेकार लग रहा है, लोग ब्लॉक से कवर करते हैं, मैं चेस्ट से कवर कर रहा हूँ, तो पर कोई बात नहीं, हम लोग इसे जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। और अभी हम इस कोने में आ चुके हैं, वाटर बकेट कोना उस कोने में है, तो ये काम भी जल्दी से हम कर देते हैं। और अभी आपको मैं बताने वाला हूँ क्या करना है, तो हमें इसके चारों कोनों को एक कॉबल स्टोन से भर देना है, जो कि अभी आपको थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगा, आपको थोड़ा सा बताने के बाद मैं उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि अब उसमें बहुत टाइम लगने वाला है और शायद से हमारा बहुत वक्त ही बर्बाद होगा। तो ये भी यहाँ तक हो चुका है, लेकिन इसको भी इसको तोड़ देना है हमें यहाँ से। अगर ऐसे हम इसको तोड़ देंगे तो हमें इसको जब पहले तोड़ना है, तो उसके लिए हमें इसको अनलिमिटेड वाटर सोर्स को तोड़ना पड़ेगा, और इससे शायद ज़्यादा ही आगे जा रहा है।
गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना पूरा एक्सपी फार्म कंप्लीट कर दिया। उसको मुझे कट करना पड़ा क्योंकि मैंने उसमें वो बहुत टाइम लगाया था और मेरी मतलब एक घंटे से ऊपर की हो गई थी, तो इसलिए वो थोड़ा करने के लिए मैंने उसको कट कर दिया है। तो आज को हमने इस वाली वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको आज की वीडियो पसंद है लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मैं बोलता हूँ गुड बाय।